कुछ समय पहले कोरोना महामारी को फैलाने का दोषी तबलीगी जमात को ही समझा गया था, लेकिन आज तबलीगी जमात के सैकड़ों लोगों ने एक मिसाल कायम की है। तबलीगी जमात के सदर मौलाना साद साहब के कहने पर तबलीगी जमात के सभी साथियों ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हिंदुस्तान वासियों के लिए अपना रक्तदान किया है। दिल्ली सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में प्लाज्मा थेरेपी के लिए तबलीगी जमात के कई लोग कतार में खड़े होकर रक्तदान करने का इंतजार करते देखे गए, जिसमें सागर जिले के राहतगढ़ के 11 लोग भोपाल इज्तिमा में 4 महीने के लिए जमात में गए थे, जिसका समय 22 मार्च को हो गया था और 23 मार्च को सभी जमाती राहतगढ़ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अचानक देश में लॉकडाउन हो गया। सभी जमात के साथी दिल्ली मरकज़ में ही फंस गए और आज तक दिल्ली फंसे हुए। आज मौलाना साद साहब के कहने पर कोरोना से लड़ रहे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए रक्तदान किया, जिसमें सागर जिले के राहतगढ़ के अब्बास कुरैसी भी शामिल है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को अलग करा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज तबलीगी जमात ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में एकता हमेशा बनी रहेगी। आज सैकड़ों की तादाद में रक्तदान करने वाले यह लोग भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और उनकी सोच यह नहीं कि हमारा खून केवल मुसलमान को जाए। इनका कहना है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम लोग रक्तदान कर रहे हैं, इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, जिसका सबूत तबलीगी जमात ने दिया है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मध्य प्रदेश राहतगढ़ जिला सागर के। माशाल्लाह, आज आपने प्लाज्मा दिया है। जी सर। ये प्लाज्मा क्यों दिया आपने? प्लाज्मा इसलिए दे रहा है, इंसानियत के नाते हमारे प्लाज्मा के द्वारा किसी व्यक्ति को फायदा हो जाए, अल्लाह के हुक्म से वो सही रहे, इसीलिए दिया जा रहा है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आपको क्वारंटीन किया गया है जी, इसमें कोई परेशानी है आपको? कोई नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह, सब ठीक ठाक है? हाँ, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ कब से हैं आप लोग? अरे कहाँ बताएं, वो तो बहुत दिन हो गया, मैं तो उधर अस्पताल में रखा, फिर उसके बाद यहाँ पटक दिया, वो तो जगह जगह बस कुछ बताते नहीं है, इतना दिन हो गए, वो तो कोई पता नहीं है हमें तो। अब तो हमें घर की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, बीवी बच्चों से दूर है, बहुत ही दिन हो गए अब तो। कितनी तारीख को आए थे आप? निज़ामुद्दीन मरकज़ कब गए थे आप? निज़ामुद्दीन मरकज़ हम गए थे 22 तारीख को। कौन से महीने में? 20 कौन से महीने में? तीसरे महीने में, मार्च में जी। 22 मार्च को निज़ामुद्दीन गए थे? नहीं, 20 मार्च। 20 मार्च को। उसके बाद? उसके बाद से बंद है वहीं से, तो फिर उधर से सीधा अस्पताल आ गए थे। कौन से हॉस्पिटल गया? लोकनायक हॉस्पिटल। लोकनायक से फिर? फिर लोकनायक से क्वारंटाइन पे इधर ले आए सुल्तानपुरी। फिर यहाँ पर कुछ बता, यहाँ कितने दिन हो गए सुल्तानपुरी में आपको? सुल्तानपुर में हुए हम 18 तारीख को आए थे। 18 को आए थे, आज 28 दिन हो जी, यानी आज आपको 28 तारीख है, तो 10 दिन हो गए आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।